जैसलमेर के सायला में एवन टीवी की खबर का असर देखने को मिला। यहाँ सांगना गांव में 70 वर्षीय सोमटी देवी मेघवाल की मदद के लिए क्षेत्र के भामाशाह आगे आए हैं। दाने दाने की मोहताज ये वृद्धा अपने चार पोते पोतियों के साथ करीब एक साल से गांव में मजदूरी कर दो वक्त की रोटी जुटाने में मजबूर हो रही थी, लेकिन सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। एवन टीवी पर खबर प्रसारित होने के बाद भामाशाह आगे आए। चंद्रलोक तीर्थ की ओर से सोमटी देवी को राशन सामग्री दी गई। वहीं तहसीलदार ताराचंद के निर्देश पर उप तहसीलदार रमेश कुमार माली सोमटी देवी के घर पहुंचे। साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली सरकारी योजनाएं पालनहार, खाद्य सुरक्षा एवं बीपीएल में नाम जुड़वाने की कार्रवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने एवन टीवी का आभार जताया। आपको बता दें कि एवन टीवी का एक ही मकसद है, हर छोटे से छोटी जगह पे ग्राउंड जीरो लेवल पे जाकर वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ के लोग हैं, उनकी समस्याओं को जनता तक, सरकार तक पहुँचाना है। जनता की जो परेशानियाँ हैं, जो कि गांव के लोगों की परेशानियाँ होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो सरकार तक पहुँचाने का काम करता है एवन टीवी। और यही रहा, एवन टीवी ने अपना काम बखूबी निभाया। वहीं गाँव वालों ने भी एवन टीवी का आभार जताया, क्योंकि सोमटी देवी जिस तरीके से रह रही थी, एवन टीवी के संवाददाता ने वहाँ जाकर उसकी वो परेशानी समझी और उस परेशानी को समझने के बाद में उसकी खबर को प्रसारित करवाया, जिसको लेकर गांव के तहसीलदार सभी ने देखा और मदद के लिए आगे आए। वो सभी एवन टीवी का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया कर रहे हैं एवन टीवी का। एवन टीवी ने जिस तरीके से खबर को प्रसारित किया, वहीं गाँव वालों ने भी एवन टीवी का आभार जताया।